हेलो फ्रेंड्स, आई एम साधना शर्मा एंड यू आर वाचिंग एस फॉर सक्सेस। एस फॉर सक्सेस की बजट सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहले के जो चार वीडियोज़ हैं बजट सीरीज़ के, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और उनमें हमने लगभग काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की। बजट आपको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि यूपीएससी जीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बजट ज़रूरी है, क्योंकि ये बजट इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट जो है वो क्या होता है, ये जानने के लिए आप मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि ये बजट इंटरिम बजट क्यों कहलाया और बजट 2019 जो है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विचरती जातियों के लिए आयोग की स्थापना, सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि विचरती जातियों के लिए आयोग की स्थापना, फिर भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, इसके अलावा रेरा एक्ट 2016 और अननोन ट्रांजैक्शन एक्ट, ठीक है, और FEO एक्ट, ये सब आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और अगर किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है तो उसकी डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आजकल जीपीएससी यूपीएससी में ऊपर से प्रश्न नहीं आते, वो लोग बहुत ही अंदर से और डीप प्रश्न देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चल सके। तो जो अगर छोटी सी तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऊपर से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो सबसे पहले कैसी तैयारी कीजिए, एकदम डीप स्टडीज़ कीजिए। पार्ट 5 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आप पूरे सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी सारी की सारी तैयारी आराम से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जा कर के देखिए, आपको बहुत सारा मटीरियल उसमें मिल जाएगा। तो टॉपिक पर आते हैं, विचरती जातियों के लिए आयोग की स्थापना। भारत सरकार में नीति आयोग की यह कार्य सौंपा गया है कि नीति आयोग के अंतर्गत एक विकास बोर्ड की स्थापना की जाए, जिसके अंतर्गत विचरती जातियों को ढूंढा जाए तथा उनके कल्याण के लिए क्या किया जाए, कार्य किया जाए। देखो, विचरती जातियाँ ऐसे कौन सी जातियाँ होती हैं, आपने ये जो अपने बहुत सारी जातियाँ ऐसी होती हैं जो कि एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाली जो जातियाँ होती हैं, बहुत सारी सरकार की योजना है जिनको कि उनका मतलब लाभ नहीं मिल पाता, तो ऐसी जो जातियाँ हैं, ऐसी जनजातियाँ हैं, उनको हम लाभ कैसे सौंपे, क्योंकि उनके लिए भी कार्य करना तो आवश्यक है। तो भारत सरकार ने क्या किया, अब नीति आयोग है ना, पहले क्या था, पहले दूसरा आयोग था और अब क्या है, अब नीति आयोग है ना। तो नीति आयोग जो है उसके अंतर्गत एक विकास बोर्ड की स्थापना करनी ये प्रस्तावित है, किसके अंतर्गत, नीति आयोग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विचरती जातियों को न केवल ढूंढा जाए बल्कि उनके कल्याण के लिए कार्य भी किए जाएं। इसके अलावा विचरती घुमंतू जातियाँ जिन तक सरकार की बहुत सी योजनाओं का लाभ नहीं जा पाता, ऐसी घुमंतू अथवा अर्ध घुमंतू जातियों की पहचान करके नीति आयोग के अंतर्गत एक अलग से विभाग की स्थापना करना, ये क्या है, विचरती जातियों के लिए। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, घुमंतू और अर्ध घुमंतू है ना, इसमें भी कैटेगरीज होंगी, ऐसा नहीं है कि सभी जातियों को क्या दे दिया जाए, विचरती जातियाँ घुमंतू और अर्ध घुमंतू, ये अलग अलग कैटेगरीज निर्धारित की जाएंगी। फिर सर्वप्रथम यह तय किया जाएगा कि कौन सी जातियाँ जो हैं वो घुमंतू, पूर्णतः घुमंतू है, अर्ध घुमंतू है अथवा तो कम घुमंतू जातियाँ हैं, तो इन सब तीन कैटेगरीज में इन सबको लगा दिया जाएगा। और इसका डिसाइड कौन करेगा, भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग, नीति आयोग के अंतर्गत भी एक कौन सा, विकास बोर्ड, ठीक है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन इन समुदायों के विकास के लिए कल्याणकारी विकास बोर्ड की रचना की जाएगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट, क्या घुमंतू जातियों के लिए आयोग की जो स्थापना है वो कौन सा विभाग करेगा, तो नीति आयोग करेगा, और इनके लिए जो विकास के लिए जो कल्याणकारी कार्य की रचना की जाएगी वो कौन बनाएगा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इनका जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तैयार की जाएंगी और इनके लिए कल्याणकारी विकास बोर्ड की रचना की जाएगी, ठीक है।
इदाते कमीशन वेरी इम्पोर्टेंट, आज के वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इदाते कमीशन तथा रैंके कमीशन, क्या है इदाते कमीशन और रैंके कमीशन, ये किस चीज़ के लिए बनाए गए कमीशन्स हैं? तो ये इन्हीं विचरती जातियों के लिए बनाए गए दो कमीशन हैं जो कि इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी जातियाँ घुमंतू जातियाँ विचरती जातियाँ हैं। तो कौन कौन से कमीशन? इदाते कमीशन और रैंके कमीशन, ये दो कमीशन आपको याद रखने हैं। तो आपको विचरती जातियाँ समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक विकास तथा भ्रष्टाचार निवारण के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय भारत सरकार DIPP, कौन सा मंत्रालय? उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय भारत सरकार DIPP, देश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने का कार्य यह मंत्रालय करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि DIPP क्या करता है, उद्योगों को जो है वो प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। अब इसका नाम जो है वो DIPP से बदल दिया गया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि करंट का क्वेश्चन बनता है ये कि इस विभाग का नाम अब ये रखा गया, क्या रखा गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देखिए ये इंटरनल ट्रेड जो है, आंतरिक व्यापार, ये इसमें नहीं लगा हुआ था। इसमें सिर्फ क्या लगा हुआ था कि जो औद्योगिक विकास है उसका मतलब उसका आगे बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट करना। तो अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इंटरनल ट्रेड। यह विभाग अब आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करेगा। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत मंत्रालय के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन अब यह विभाग क्या काम करेगा, और भी अब ये आंतरिक विकास यानी कि आंतरिक व्यापार, इंटरनल जो भी हमारा व्यापार है उसको भी आगे बढ़ाएगा। अच्छा, इसी भ्रष्टाचार निवारण के अंतर्गत और कौन सा कानून है, रेरा 2016, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है देखते हैं हम। सबसे पहले तो क्या है, रेरा 2016 का बना 2016 में। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बिल्डर द्वारा जो भी चीटिंग होती थी उसे रोकने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा की स्थापना की गई। एक बार फिर से देखें, रेरा की फुल फॉर्म क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। अच्छा, इसे बनाने की एकदम जरूरत क्या पड़ी, आपको पता है बहुत सारे बड़े बड़े पुल बनते के साथ ही क्या होते हैं, थोड़े समय के बाद ही वो नीचे ढह जाते हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन तो होता है, 3 साल में 4 साल में 5 साल में वो बिल्डिंग्स क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। तो ऐसी चीटिंग यानी कि माल का सही प्रयोग ना करना, समय पर पोजीशन ना देना, माल कुछ और बताया गया हो और कुछ और इस्तेमाल करना, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसके साथ में, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में। क्योंकि बिल्डर तो क्या कहता है, दिखाता कुछ और है और हमें देता कुछ और है, सामान कुछ और बताया जाता है और हमें जब घर बनता है तब उसके बाद कुछ और बताया जाता है। पोजीशन 1 साल में देने की बात की जाती है और इसके 5-5 साल हो जाते हैं। तो इन्हीं सब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा की स्थापना की गई है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि यह जो विभाग है ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है, तो इसको रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, रेरा अथॉरिटी जो है वो इसके अंतर्गत बनाई गई है। किसमें? रेरा 2016 के अंतर्गत एक रेरा अथॉरिटी बनाई गई है जो कि बिल्डर के द्वारा किए जाने वाले जो क्या है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ काम करेगी, है ना। कैसे काम करेगी उसके खिलाफ, देखते हैं आगे। साथ ही सभी राज्यों में भी स्टेट रेरा अथॉरिटी बनाई गई है। देखिए, अब ये काम कैसे करेगी, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि जो कि अनसेटिस्फाइड है तो वो रेरा में जा सकता है। सभी स्टेट्स में जो रेरा अथॉरिटी है वो भी बनाई गई है, लेकिन उसको पहले से क्या है, दस्तावेज दिखाने होंगे कि बिल्डर ने इस तरीके की बात की थी और अंत में हमें क्या दिया है, ये दिया है। यह अथॉरिटी बिल्डर्स को गलत कार्य करने से रोकेगी, क्या करेगी, गलत कार्य करने से रोकेगी।
नक्शे में फेरफार, कंस्ट्रक्शन के कार्य को बहुमंजिला करना इत्यादि जैसे अगर कोई काम है तो उनको पहले से ही रेरा अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर रेरा अथॉरिटी इसके लिए हाँ बोलती है कि हाँ भाई ठीक है आप इस काम को कर सकते हैं तो ही बिल्डर जो है वो ये काम कर सकते हैं, अन्यथा तो रेरा अथॉरिटी जो है वो इन्हें क्या करेगी, ना बोलेगी कि नहीं भाई आपका ये काम गलत है। ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए क्या था, आयोग था, एक एक्ट था। जैसे कोई भी चेंजेस यदि होंगे, कैसे, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नक्शे में कोई चेंज होगा या फिर उस बिल्डिंग 5 मंजिला की प्रस्तावित है और उसके बाद में उसे 50 या 10 मंजिल की कर दिया तो हो रेरा अथॉरिटी में आवश्यक रूप से इसकी नोट करनी ही उसको होगी, किसे, बिल्डर को। तो बिल्डर की जो चीटिंग है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हर एक स्टेट में भी इसके लिए ऑफिसेस खोले गए हैं, किसके लिए, स्टेट रेरा अथॉरिटी बनाई गई है। अब है अननोन ट्रांजैक्शन एक्ट। ये सब बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो मैं सब समेट समेट करके आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, क्या कहते हैं इसे, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। इस एक्ट द्वारा किसी भी व्यापारी के लिए अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, किसने जमा करवाया, इसका पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा। देखिए अभी तक ऐसा होता था कि हमें नहीं पता चलता था कि पैसा जो है वो कहाँ से जमा कराया, लेकिन अब करंट अकाउंट्स में भी एक कंपलसरी हो गया है कि जैसे अगर मैं पैसा जमा कराने आ रही हूँ तो मेरा नाम वगैरह भी उसमें मेंशन होगा। तो मतलब अब ये भी ज़रूरी हो गया कि कौन से अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, आप ये भी जो है इसकी भी नोंद की जाएगी कि जिससे कि 2 नंबर का जो पैसा है, जो ब्लैक मनी है, उस पर रोक लगा दी जाए। तो अननोन ट्रांजैक्शन एक्ट क्या है, अननोन ट्रांजैक्शन एक्ट ये है कि किसी भी व्यापारी के अकाउंट में पैसा कहाँ से आया वो भी अब उसका भी हिसाब रखा जाएगा, कहाँ जाता उसका हिसाब तो होता ही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आपके लिए लाया गया है, वो कौन सा है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। आपको याद है विजय माल्या कैसे हमारे यहाँ पर देश का नुकसान करके और वो विदेश में भाग गया, ठीक है। तो ऐसे जो भगोड़े आर्थिक जो गुनाहगार हैं उनके लिए भी 2018 में एक एक्ट बनाया गया है। आपको ये एक्ट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। ऐसे गुनाहगार जो कि आर्थिक कौभांड करके भारत से बाहर भाग जाते हैं उनके लिए यह एक्ट 2018 लाया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत यदि भगोड़े गुनाहगार का गुनाह साबित हो जाता है तो क्या होगा, जैसे माल्या का साबित हो गया है तो क्या होगा, तो भारत सरकार जो है उसकी जो भी संपत्ति है वह संपत्ति अपने हस्तक क्या करेगी, अपने हस्तक कर लेगी। भारत सरकार उसकी संपत्ति को क्या करेगी, अपने अधीन ले लेगी और उसके बाद में उसकी नीलामी करके जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो भारत सरकार के द्वारा कर ली जाएगी। तो अब अगर कोई जो व्यक्ति है वो अगर भारत में आर्थिक नुकसान करके चला जाता है तो उसका जो मुआवजा है, उसका जो खामियाजा है वो भारत सरकार को नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि उसके अंतर्गत ही, यानी कि जो व्यक्ति है उसके अंतर्गत ही क्या किया जाएगा, उसकी संपत्ति की नीलामी करके ये जो पैसा है उससे उसकी भरपाई कर ली जाएगी। तो इस एक्ट का नाम क्या है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्या नाम है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट कब बना है, 2018 में। क्या प्रोसेस है इसका, वो मैंने आपको बताया कि अगर गुनाह करके भाग जाते हैं, आर्थिक कौभांड करके भारत से बाहर भाग जाते हैं तो भारत से बाहर तो उनको कानून लगता नहीं है भारत का, है ना, वो आराम से रह सकते हैं। तो ऐसे जो आर्थिक गुनाहगार हैं उन सब के लिए, आर्थिक भगोड़ों के लिए ऐसा एक्ट बनाया गया है कि भारत में जो भी उनकी संपत्ति होगी वो सबको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, अननोन ट्रांजैक्शन एक्ट। किसी भी व्यापारी के उसमें अगर अननोन पैसा कोई आता है तो उसको भी उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा रेरा 2016, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी कोई भ्रष्टाचार होता है उसे रोकने का कार्य यह रेरा अथॉरिटी करेगी। इसके अलावा हमने पढ़ा घुमंतु और विचरती जो जातियां हैं उनके लिए आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की जाएगी, नीति आयोग के अंतर्गत की जाएगी, और यह किस कल्याण विभाग के अंतर्गत होगा, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत होगा, ठीक है।
एक और चीज हमने पढ़ी यहाँ पर, DIPP का जो नाम है वो अब क्या हुआ है, वो अब चेंज हो गया और ये अब किसके साथ में और जुड़ेगी, ये DIPP जो है वो अब इंटरनल ट्रेड के साथ में और जुड़ेगी। तो इसका नाम अब क्या हो गया है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और इसके साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस शेयर करेंगे तो उनको भी उनके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में कॉलेज में जो भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं वो सब भी अपने ये सब वीडियोस देखिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एस फॉर सक्सेस।